पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? संगे मारपा। संगे मारपा। आपके अब्बू कौन है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कैमरे देख के हो गए। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ आपका होस्ट हसन आपके साथ है। आज हम इधर पब्लिक के पास आए हैं बहुत फनी क्वेश्चन लेकर। सवाल हमारा ये है कि पांच सवाल हम करेंगे जिसके जवाब गलत ही देने हैं, जो सही देगा फिर उसको हम पनिशमेंट देंगे। हमारे साथ रहिएगा, बड़े मज़ेदार रिएक्शन आने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक। तबीयत ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। नाम क्या है? जाफर भाई। जाफर भाई क्या करते हैं? मैं भाई तो शर्टों का काम करता हूं। शर्टों का काम करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक सवाल का जवाब देंगे? सोची बड़े पे थोड़ा आसपो यार। अच्छा रोला ही कोई नहीं है, किसी जवाब। अच्छा रोला कोई नहीं। अच्छा सवाल ये है कि पांच सवाल करूंगा जिसका जवाब आपने गलत ही देने हैं, सही जवाब नहीं देना, ठीक है? पहला, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? जल्दी 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 जल्दी। संगे मरमर। संगे मरमर। संगे मरमर। पाकिस्तान का सदर कौन है? जाफर टाइगर। आपके अब्बू कौन है? आरफ हुसैन। आरफ हुसैन। आपका दोस्त कौन है? दोस्त जोन सा मर्जी बना लो। बताओ, गलत जवाब दे दो फटाफट। मेरा भाई। मेरा आपका भाई, आपका दोस्त नहीं है इसका मतलब। अच्छा कितने हो गए? चार हो गए। चार, ये गलत दे दिया आप। तुम्हारी पनिशमेंट है, ये तुमने सही जवाब दिया। मैंने पाँच आपसे कहा था, आपने ये सही दे दिया। अब यहाँ मुझे कोई गाना सुनाओ या आपको एक पनिशमेंट दूंगा। मेरे भाई म्यूजिक करने यहाँ से इधर नहीं आते, तो हम जहाँ कहीं जाते। मेरे शहर लड़के मुझे देखती हैं, ऐसे नहीं हो देखती, मुझे नज़र लग जाएगी, ऐसे मत देखो। पांच सवाल करने हैं और पांच के ही गलत जवाब देने हैं, सही जवाब नहीं देना। कितना इजी सवाल है, आज तक कितना ही किसी ने नहीं होना था। अच्छा गलत जवाब भी देना है? आज तक गलत देने ने। गलत देने। हाँ सही। चलो एक च एक पाव तो कितने होते हैं? पाँच। बंदा गलत जवाब नहीं दे सकता ना, किसी और से पूछे ना, चेहरे का बंदा गलत जवाब दे सकता है। किन्ना गलत देना यार, सही दे दिता हूँ थोड़ी कि इन्होंने छोटा जहाँ अभी काम कहने ये काम करना है। बाप ने मारा टोपी ला के अपने टेंट वाओ और वादा किता टोपी ला के टेंट वाओ कैमरे देख के हो गए। बहुत शुक्रिया। कोई सही नहीं देना, पंजो गलत देने। अच्छा पहला सवाल, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? गलत देना, मैं फिर बता। वजीर आजम कौन है? जो मर्जी बोलते जाए, जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे तू ही है ब्रो। हाँ बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपकी कितनी शादी हुई है? एक, दो। दो, बिल्कुल ठीक। तीसरा, कितने बच्चे हैं? पांच। पांच, बिल्कुल ठीक। चौथा, आपके कितने रिक्शे हैं? तीन। तीन। कितने सवाल हो गए? चार। चार, ये आपने सही दे दिया। अब आपकी पनिशमेंट है, आप दो में हाथ चुको पहले वो का पनिशमेंट देनी है। तुम पंजा सही दे दिता, तुम क्या पंजो गलत देने? हाथ चुको, हाथ चुको, दो में मुझे बताओ एक सवाल का जवाब। अच्छा सवाल ये है कि पांच सवाल पूछूंगा, पांचों के गलत जवाब देने। ओके हो गया। ओके हो गया। पहला सवाल, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन? मैं। आई लव यू। टू। यस। अच्छा दूसरा, पाकिस्तान का सदर कौन है? मैं। मुश्किल थल्ले ना डिग भाई, मेरे को चुके नहीं हो जाना। तीसरा, ये जूती कितने की होगी? तकरीबन कोई आएगी 15-20 हज़ार। बिल्कुल ठीक। अच्छा कितने हुए सवाल? तीन। तीन। आवेला ने सही दे दिता जे। और फिर नहीं, तेरी सजा मैंने तुम्हें तेरी सजा नहीं,
तेरी सजा। ये गलत बात। नहीं ये गलत बात। नहीं ये गलत। अच्छा चल रल के करना है तुम्हें। ये गलत बात। तुम्हें क्यों करूं? ते कहनी ए एक फुल फेच ने नया करेगा। ठीक है। वो मैं तू करेगा। ओ वेल डन। टैलेंट वाकई यार तू बड़ा प्रोग्राम कर। मैं मान गया आप। ऐ फड़ी ना ऐ फड़ना जरा यार। अरे मार के मार इधर करी मार के इधर करी। हां लो जी ये है वाले। ओए मैं मार ही ना। और इन्होंने हमें उठाया। पांच हो गए गलत। अगर तू एक दा भी सही देता ना तो तेन पनिशमेंट देंगे। पहला सवाल पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? वजीर आजम इन्नू पाए बना दे कोई बात। गलत है ना जल्दी जल्दी। दूसरा सवाल पाकिस्तान का सदर कौन है? पाकिस्तान का सदर इस वक्त ये है भाई। आपके अबू कौन है? मेरे अबू मेरे अबू हैं। हेलो जी तीन चाहिए ना गलत देता है। ऐसा ही है पनिशमेंट। वाइंड अप कर दे। पनिशमेंट के बारे दौर लगा रहे हैं। वाइंड अप कर दे। ओके कार इफ यू डोंट माइंड। दौर लगा रहे हैं पीछे टमाटर वर गया था मुंह है तेरे। पनिशमेंट दीवारी आई दौर लगा अकड़ियां पीछे ब्लेड मार मार। जी नाजरीन आपने देखा लोगों ने कितने मज़ेदार जवाबात दिए और हमने उन्हें पनिशमेंट भी दी। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट हसन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।